इधर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी, एसपी तेजस्विनी गौतम, जिला परिषद सीईओ डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और बीसूका के उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उमरैंड और मालाखेड़ा ब्लॉक के स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं स्कूली बच्चों की ओर से मार्च पास्ट भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। गौरतलब है कि अलवर जिले में करीब 1,83,000 खिलाड़ी, 13,000 टीमें प्रशासन की ओर से तैयार की गई है। और आज राजस्थान सरकार ने अलवर में, जैसा कि पंचायतों का प्रतीकात्मक तौर पे हमने जिला स्तर पे कार्यक्रम रखा था, जैसा कि आपको ध्यान है कि राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक हो रहे हैं इसके अंदर अलवर जिले से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। लगभग 1,82,000 के करीब खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है और 13,000 के करीब हमारी जो टीमें हैं वो बनी हैं 6 खेलों के लिए। इसमें पहले ग्राम स्तरीय, उसके पश्चात ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। मैं इसमें अलवर के प्रत्येक निवासी से, चाहे वो किसी भी पद पर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, उससे एक निवेदन करूंगा कि हमें पूरे जिले के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है कि गांव के अंदर जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, खेल प्रतिभाएं आगे निकले, ताकि हम अलवर का नाम जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आगे है। आज इस 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो शुरुआत की है इसमें हम अनेक प्रतिभाओं को आगे लाएँ, इस पवित्र भावना के साथ ये शुरुआत हुई है। आज का जो कार्यक्रम है इस चरण के पश्चात ब्लॉक स्तरीय होगा और फिर जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। मैं एक बार पुनः इस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को, संस्था प्रधानों को, अलग अलग विभाग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।